अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ्रीहा। आप देख रहे हैं वेरी ब्यूटी सलोन। जी जनाब, हम आपके लिए आईब्रो की शेपिंग का ट्यूटोरियल लेके आए हैं। ठीक है, आज हम आपको आईब्रो की शेप करना बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले आपने आईब्रो को नीट करना है, पाउडर लगाना है। ठीक है, आपने अच्छी तरह से डस्ट साफ़ करनी है, और अगर स्वेटिंग हुई हुई है तो आपने उसको अच्छी तरह से नीट क्लीन स्किन को कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने आईब्रो के ऊपर जो बाल हैं, आपने कॉम के साथ या हाथों की मदद से उन बालों को ऊपर करके और सीजर के साथ उसको कट कर लेना है। ठीक है, आप ध्यान रखना है आपने इस बात का कि बाल ज़्यादा कट ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, धागे की मदद से आपने सबसे पहले उसके दरमियान वाले साइड से, जो बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है, आपने उस पर आपने थ्रेड चला के आपने उससे बाल नीट करने हैं। ठीक है, फिर स्टार्टिंग से ऊपर वाली साइड से, ठीक है, आप नीचे वाली साइड से भी कर सकते हैं, आप ऊपर वाली साइड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्लकिंग करनी नहीं आ रही, आप फर्स्ट टाइम प्लकिंग कर रही हैं, तो फिर आप नीचे वाली साइड से प्लकिंग की शेप बनाइएगा, क्योंकि अगर आपकी ऊपर वाली साइड से अगर आपके बाल निकल जाते हैं तो आपकी प्लकिंग की शेप ख़राब हो सकती है। अगर आप नीचे से करेंगे सबसे पहले और फिर बाद में ऊपर से शेप बनाएंगे, फिर आपकी बहुत अच्छी शेप बन सकती है। इसके लिए आप खाका भी बना सकते हैं पेंसिल के साथ, और उसके अंदर अंदर आप बाल निकाल सकती हैं। ठीक, अगर आपके धागा की स्पीड अच्छी है, आप धागा अच्छा तरीके से चला सकती हैं, तो फिर आप ऊपर से शेप बना लें। फिर आपने क्या करना है, देख लें जी, आपने बिल्कुल एक लाइन, यानी कि कह लें कि बिल्कुल बालों की एक एक लाइन आपने निकाली है। ठीक है, और आपने फिर उसके साथ साइडों से साफ़ करना है बालों को शेप के हिसाब से। ठीक है, और आपने फिर उसके, अगर आपके साइड पे सिर्फ दो चार बाल हैं, तो आपने उसको भी उतारने हैं और नीट क्लीन कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट वाली साइड से, सिर्फ ऊपर वाली साइड से आपने पकड़ना है बालों का। अपनी किसी बच्ची को बोल दें या फिर किसी स्टूडेंट को बोल दें आप, ओके, इधर से टाइट करना, थ्री फिंगर्स के साथ आपने ऊपर से टाइट करवाना है। ठीक है, और उसके नीचे से बाल आपने निकाल लेंगे इस के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आप उसके अंदर से बाल निकालेंगे, तो आपको एक गाइडलाइन मिलेगी, आपने उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपने सारी शेप अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपने अपने बालों की जो शेप है उसी हिसाब से, अगर आपने मोटी रखनी है तो आपने कम बाल निकालने हैं, अगर आपने बारीक करनी है तो आप नीचे से दो तीन लाइन निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन आप ये प्रोसीजर जो भी है आहिस्ता आहिस्ता से कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस ना हो। ठीक है, अब देखें आप, इस सबसे पहले हम, अब पानी निकले, अब देखें बच्चे के आइस में पानी निकल रहा है, तो जनाब हम उसको अच्छी तरह से पहले साफ़ करेंगे पाउडर के साथ, और बाल जो हम जो नीचे बाल गिरेंगे हम उसको भी अच्छी तरह रिमूव करेंगे। फिर उसके साथ हम आहिस्ता से अपने धागे की मदद से उनके बालों को नीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। जी,
على قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك سجفة ولهتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم ثاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك سجفة ولهتك صرتي